फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नायरू और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन एक्सेलरेटिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप जो भी इसको कहना चाहें, बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल दैट इज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जिसका लिंक आपको मेरी अबाउट सेक्शन पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज इसका लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन पे भी प्रोवाइड करवा दूंगी, नहीं तो आप मेरे चैनल को जब ओपन करते हैं तो चैनल सेक्शन के अंदर आपको उसका लिंक अवेलेबल है। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द नायरू या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आपको हर जगह दिख रहा है एक वर्ड, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है, हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता क्या है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है जब आपकी लेबर मार्केट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एसोसिएट किससे करते हैं, आपका लेबर से। तो यहाँ पे आपको दिमाग में आना चाहिए कि किस पे हम बात करने वाले हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द लेबर मार्केट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है जब भी हम अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फुल पोटेंशियल पे काम करने का मतलब क्या है, लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। और आप सबको पता है लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, लेबर मार्केट का मतलब क्या हुआ, लेबर डिमांड एंड द लेबर सप्लाई बोथ आर इन इक्विलिब्रियम, इट मीन दे आर इंटरसेक्टिंग। ये कहता है कि जब इस तरीके की सिचुएशन होगी, जब आपकी लेबर सप्लाई एंड लेबर डिमांड आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, उस समय जो हमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट मिलेगा, दैट इज नोन एज द नायरू और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन एक्सेलरेटिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपको मिलने वाला है ना, दिस इज नोन एज द नायरू। अब काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट होना नहीं चाहिए। लेकिन हम सबको ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि चाहे आपकी लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इंटरसेक्ट भी कर रही है, उस समय भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इकोनॉमी में प्रेजेंट रहता है। अब इसके पीछे के दो रीजंस हैं। नंबर वन, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब लेट्स सी कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। देखिए, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, वो आपने HDFC में आप जॉब कर रहे थे, बट आप न्यू एवेन्यूज को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, तो आप क्या कर रहे होंगे, आपने अपनी जॉब में रेजिग्नेशन दिया और अब आपने क्या किया, आपको पता है कि आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो HDFC से लेकर जब आप न्यू ब्रांच पे, सपोज आपने ICICI ज्वाइन किया, लेकिन पूरे प्रोसेस के अंदर हो सकता है 2 महीने का टाइम लग गया, तो फॉर दोज 2 मंथ यू आर अनएम्प्लॉयड। तो रीजन क्या है, आपको जॉब कहाँ मिलनी है वहां पे टाइम लग गया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने क्या किया, इकोनॉमी में क्या हुआ, पहले आप लोग क्या करते थे, मैनुअल काम करते थे। अगर मैं 1991 से पहले की बात करूं, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम काम जो था LPG के पहले, हमारी इतनी डिजिटाइजेशन की शुरुआत नहीं हुई थी, तो जो 90s से पहले के लोग हैं वो क्या कर रहे थे, दे आर रिलाइंग ऑन द मैनुअल लेबर। अब कंप्यूटर्स आ गए, जब कंप्यूटर्स आए तो हमें कैसी वर्कफोर्स चाहिए, जो कौन सी होगी, जो स्किल्ड होगी, ठीक है। या अभी की बात करें, अगर हम GST की बात करें, तो काफ़ी लोग जो हैं, जो हमारे पेरेंट्स की उम्र के हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जितना भी अपना अकाउंट है वो क्या करते हैं, वो मैनुअली मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन
आफ्टर द जीएसटी हमें क्या चाहिए, हमें अकाउंट्स कैसे चाहिए, हमें प्रॉपर डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करने की जरूरत हो रही है इकोनॉमी में। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सिनेरियो के अंदर काफी लोग हैं जो अनस्किल्ड है वर्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, यहाँ पे एक गैप अराइज होता है बिटवीन द स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड पर्सन। हमें वर्कर की डिमांड कुछ और है, एम्प्लॉयर की डिमांड कुछ और है। तो हम ये कह सकते हैं अंडर द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कि यहाँ पे एक गैप इमर्ज होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। क्लियर? क्या याद रखने की जरूरत है कि जो हमारा NAIRU है, that is the natural rate of unemployment और long run equilibrium unemployment rate और non-accelerating natural rate of unemployment, जैसा भी आप इसको कहना चाहो, this is not static। इसका मतलब क्या है कि अगर for example इस समय जो natural rate of unemployment है, अगर मैंने बोला वो 4% चल रहा है economy के अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, it is not static, it means इट इज डायनेमिक, ठीक है। तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 4% से क्या हो जाए, 5% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, और वॉट एवर, तो कोई भी क्या हो सकता है। ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इकोनॉमी के अंदर क्या करता रहता है, ये वेरी करता रहता है। इट इज नॉट स्टैग्नेंट, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। क्लियर हुआ? अब ये होता क्यों है ऐसा, हम सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में दो तरीके की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। नंबर वन इज़ द मॉनेटरी पॉलिसी एंड नंबर टू इज़ द फिस्कल। एज फार एज मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे, हमने बोला कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को क्या किया, स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, उस समय होगा क्या, गवर्नमेंट क्या करने वाली है अंडर द मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी। जब गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया तो हुआ क्या, न्यू वेंचर्स स्टार्ट हुए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, या मैं कहूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करा। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल करने की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की। जब लोगों ने न्यू इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, न्यू कंपनीज आई, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मोर पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल करेगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता क्या रही हूँ मैं इससे कि मॉनिटरी पॉलिसी से हुआ क्या, हमारे NAIRU पे इफेक्ट हुआ, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी। लाइकवाइज अगर आपकी कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी होती तो क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंक्रीज होता, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आपने क्या देखना है कि मॉनिटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का भी एक इम्पैक्ट आता है किसके ऊपर, NAIRU के ऊपर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अल्टीमेटली हमें इस पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट से हमें पता क्या चला, हमें ये पता चला कि ये वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड जो है वो क्या है, दैट इज इन द इक्विलिब्रियम, ठीक है, उस पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेबर इकोनॉमी जो हमारी है, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या, वो कहाँ पे काम कर रही है, इट इज वर्किंग एट इट्स फुल पोटेंशियल, बट स्टिल कुछ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में स्टिल अनएम्प्लॉयड है। द रीजन बीइंग नंबर वन हमने पढ़ा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल में मैंने आपको क्या बताया, अंडर द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट लोग न्यू जॉब्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, लोग अपना जॉब स्विच करना चाह रहे हैं। जब लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं उस समय क्या होता है, उस समय उनको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए। लाइक वाइज स्ट्रक्चरल की बात मैंने क्या की, वर्कर की डिमांड कुछ और है, वर्कर की नीड कुछ और है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसकी नीड भी कुछ और है। तो नीड ऑफ द वर्कर एंड द एम्प्लॉयर डिड नॉट मैच।
टेक्नोलॉजी को लेकर, अदर देन द टेक्नोलॉजी जियोग्राफिकल कंडीशंस हो सकती है, आप कुछ और चाहते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी जो जॉब है वो आपके घर के पास मिले, लेकिन एम्प्लॉयर चाहता है कि आप उसके उसकी जहाँ पे भी फैक्ट्री है वह वहाँ आके काम करिए, बट आपकी डिमांड कुछ और है, उसकी डिमांड कुछ और है, तो आप लोग क्या कर पा रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, कोऑपरेट नहीं कर पा रहे, दैट इज़ द रीज़न फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, प्रिवेलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, आई रिपीट, नायरू और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन एक्सेलरेटिंग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा हो। अगर आज का लेक्चर आपको वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई अनदर चैनल, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।